हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक नेशन। गवर्नमेंट चाहती है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेस करें, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का भी फायदा है, पेट्रोल पर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोमेंटम को बनाने के लिए गवर्नमेंट्स बायर्स को काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रही है। सब्सिडी हमें पहले से ही मिलती है। कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने रोड टैक्स भी माफ़ कर दिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और अगर आप अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ज़रिए ये अनाउंस कर दिया है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। जितने भी बैटरी पावर्ड व्हीकल्स हैं उसके लिए अब ना ही रजिस्ट्रेशन देना होगा, ना ही रोड टैक्स देना होगा। सब्सिडी ऊपर से और मिल रही है और कंपनीज भी अपने ऑफर्स निकालते रहती है। जैसे कि कुछ ही इलेक्ट्रिक कार्स की जो कंपनीज हैं उनके चार्जिंग स्टेशन में आप अपनी कार फ्री में चार्ज कर सकते हो। तो अगर आप अभी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार लेने जाओगे तो आपको और भी कम फीस देनी होगी, ये और भी ज़्यादा सस्ती हो गई हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जितना जल्दी हो सके आप अपने लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लो, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारे बेनिफिट्स तब तक देगी जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर रेटेड रहेंगी। जैसे ही सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेस करना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट भी ऑफर देना बंद कर देगी। अच्छा, आपके लिए यही होगा कि आप इस मौके पे चौंका मारो। और आप कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको 100% आपका रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।